ज़ीनर डायोड एक खास किस्म का डायोड है, ये देखने में भी नॉर्मल नहीं है। बाकी डायोड देखने में कैसे होते हैं, बाकी डायोड देखने में ऐसे हैं, ये आपका डायोड है, नॉर्मल डायोड ऐसा होता है पी और एन। ज़ीनर डायोड का सिंबल ऐसा होता है, ये ज़ीनर डायोड है ठीक। इसके अंदर क्या वर्किंग है हमने डिस्कस कर रहे, पर इसकी एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, करता क्या है। ज़ीनर डायोड एक खास किस्म का डायोड है जो हमेशा रिवर्स बाइसिंग में ही यूजफुल है और काम पे आता है। ये रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या चीज़ है सीखने वाली, रिवर्स बाइसिंग की एक बड़ी खास बात है इसकी करेक्टरिस्टिक। देखो ना, जब रिवर्स बाइसिंग के अंदर हमने करेक्टरिस्टिक्स को बनाया, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है करंट वर्सेस वोल्टेज को बनाया, करंट माइक्रो एम्पियर में बनाया, तो हमने ये देखा कि आपका ग्राफ बिल्कुल बहुत ही कम करंट, उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाता है, आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हो। रिवर्स बाइसिंग में मान लो आपने वोल्टेज 1 वोल्ट रखी, फिर आपने 2 वोल्ट रखी, तो ठीक है आपका रिवर्स बाइसिंग हुई हुई थी, आपका करंट बिल्कुल बहुत ना के बराबर करंट था, इसको सेचुरेशन करंट बोलते हैं। लेकिन अब 3 वोल्ट पे क्या हुआ, इसका ब्रेक डाउन हो गया, मतलब कि जो अनवांटेड इलेक्ट्रॉन होल थे वो भी रिलीज हो गए और करंट बढ़ गया। करंट कैसे बढ़ा, करंट सीधा ऐसे बढ़ा, मतलब करंट 1 माइक्रो एम्पियर से 2 माइक्रो एम्पियर होता जा रहा है, फिर 3 होता जा रहा है, 4 होता जा रहा है, 5 6 बढ़ता 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 जा रहा है। लेकिन खास बात ये इसकी है कि इसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज अगर 3 थी, इसके करंट बढ़ने के बावजूद भी वी में कोई चेंज नहीं आता, वोल्टेज 3 वोल्ट ही रहती है। तुम कितना भी करंट बढ़ा लो, करंट बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज नहीं चेंज हो रही, वोल्टेज 3 ही है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अटेन नहीं कर पाता। तो अगर किसी ज़ीनर डायोड का ब्रेक डाउन 3 वोल्ट पे होना है, बस उसने 3 वोल्ट के आगे वोल्टेज नहीं बढ़ानी, अपना करंट चेंज कर लेगा लेकिन अपनी वोल्टेज नहीं बढ़ाएगा। आपको कि ये क्या चक्कर है, करंट कैसे चेंज कर लेगा। अगर तुम ओम लॉ लगाओ वी इज इक्वल टू आई इन टू आर, तो V कांस्टेंट रखते हुए वो करंट को चेंज कर लेगा, करंट बढ़ाएगा। अगर करंट बढ़ाएगा कहीं ना कहीं अपने किसको एडजस्ट कर रहा है, अपने इंटरनल अपनी रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर रहा है, तो अपने रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर लेगा। वो कैसे करेगा वो वर्किंग हमने नहीं पढ़नी, पर रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखेगा जितनी उसकी ब्रेक डाउन है। अब ये बात समझ में आ गई किसी कंपनी वाले को कि बड़ी बढ़िया चीज़ है। उसने पूछा क्यों, वो कहता मोबाइल का चार्जर बनाएंगे। कैसे, मोबाइल का चार्जर 8 वोल्ट का मार्केट से लेके आए, मजाल है वो 8 का 8.1 हो जाए, और अगर वो 8 का 8.1 हो गया, 8.2 हो गया और 9 हो गया, आपका फ़ोन उड़ा देगा, मैं बता रहा हूँ। मैं 2-3 वोल्ट में तो फ़ोन उड़ ही जाएंगे आपके, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देगा। आपको तो एक ऐसा स्ट्रिक्ट चार्जर चाहिए कि अगर 8 वोल्ट का है तो 8 वोल्ट ही प्रोवाइड करे आउटपुट, उससे 8.1 भी ना करे, क्योंकि अगर डर ये अगर 8.1 करता है या 8.5 करता है तो फिर 9 भी कर सकता है और फिर 12 भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं करना, आप कुछ ना करें, बीच में ज़ीनर डायोड लगा दें, और ज़ीनर डायोड ऐसा लगाएं जिसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज 8 वोल्ट है, पीछे से सप्लाई चाहे जितना मर्जी आती जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका ब्रेक डाउन हो गया और जैसे ही वो ब्रेक डाउन हो गया उसने आउटपुट 8 वोल्ट ही देना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि उसका ब्रेक डाउन ही 8 है। उसके बाद तो उसने रेजिस्टेंस चेंज कर लेनी है, अपना करंट चेंज कर लेना, लेकिन अभी आउटपुट वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं करनी। तो और हम चार्जर जब लगाते हैं सबसे पहले ज़ीनर का ब्रेक डाउन ही होता है। कंपनी वालों को पता है तुम्हारी वोल्टेज 8 से ज़्यादा आने वाली है, पक्की बात है, वो बनाती है ऐसे अंदर कि आपकी जो AC सप्लाई है वो 8 वोल्ट से ज़्यादा आए और फटाफट ज़ीनर का क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। वो जैसे ही ब्रेक डाउन होगा उसकी आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगी, वो 8 8 8 देती जाएगी, चाहे करंट को चेंज करे चाहे रेजिस्टेंस चेंज करे, 8 से ऊपर नहीं देगी। इसीलिए ज़ीनर डायोड का दूसरा नाम है वोल्टेज स्टेबलाइजर, क्योंकि वोल्टेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पीछे से कितनी भी वोल्टेज है इसको फर्क नहीं पड़ता, इसे आउटपुट हमेशा ब्रेक डाउन पे 8 वोल्ट ही देनी है या जो भी उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है। अब हो क्या रहा है इसमें, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर PYQ के अंदर यही डायग्राम बनता है, स्टैंडर्ड है ज़ीनर डायोड का। ज़ीनर डायोड यहां लगा दिया गया, ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज है। अब ये 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट बढ़ती जा रही है, मान लो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ज़ीनर का काम क्या है, रेगुलेटेड वोल्टेज देना। ज़ीनर का ब्रेक डाउन अलग अलग ज़ीनर का डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है तुम आउटपुट चाहते क्या हो। अगर तुम 3 वोल्ट की आउटपुट चाहते हो तो ज़ीनर 3 वोल्ट का ब्रेक डाउन वाला लगाना, इसकी ब्रेक डाउन करवा देना, ये 3 वोल्ट देना स्टार्ट कर देगा।
और अगर तुम 8 वोल्ट चाहते हो तो तुम जीनर का ब्रेकडाउन 8 वोल्ट वाला लेना, वो अपने आप 8 लेना स्टार्ट कर देगा, उसको बस तुमने ब्रेकडाउन करवाना है। क्लियर है यहाँ तक? अब काम कैसे करता है ये जीनर लगाया, एक रेजिस्टेंस जीनर के आगे भी लगी होती है, ये जरूरी है लगानी है, ये एग्जाम दी होती है न्यूमेरिकल्स में ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, और एक रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस है जो इसके आगे लगी होती है। इसका बेसिक डायग्राम है। क्वेश्चन ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही है, क्वेश्चन जीनर दोनों कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में ये करना है कि अगर आपकी मान लो ये जीनर की जो वोल्टेज है वो मान लो 8 वोल्ट है, चलो तो मैंने एक जीनर लगाया जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट है मान लो, तो अगर आपका जीनर का पी ये जो डायोड है ये 8 वोल्ट का है और तुमने पीछे से वोल्टेज कितनी दी 1 वोल्ट, फायदा नहीं है इसको करके कुछ करके, 1 वोल्ट पे क्या करना है, इसको रिवर्स बाइसिंग में है तो इसका तो ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ। और अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कोई पूछे सर वोल्टेज कितनी आ रही है बाहर, फिर वो कुछ नहीं करेगा, वो तुम्हारी 1 वोल्ट का 1 वोल्ट ही बाहर दे देगा, जाए यार छोड़ मुझे करना ही नहीं है कुछ भी। और अगर पीछे तुम 2 वोल्ट करोगे तो आउटपुट भी 2 दे देगा, ये तुम 3 करोगे 3 दे देगा, 3 नहीं देगा 3 से कम दे देगा, क्योंकि कुछ तो ये भी लेगा वोल्टेज, मान लो 4 वोल्ट है 4 वोल्ट में से ये ले लेगा 1, 4 में से 1 या 3 तो 3 दे देगा, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएगा। और तुम 5 दोगे तो कहेगा ठीक है यार बाहर आउटपुट 4.5 ले लो, तुम अगर 6 दोगे तो ये 6 दे देगा, 7 दोगे 7, 8 दोगे 8, 9 दोगे तो 8 देगा, क्योंकि अब इसका क्या हो गया ब्रेकडाउन हो गया। तुम 10 वोल्ट दोगे तो 8 देगा, तुम 11 वोल्ट दोगे 8 देगा, तुम 13 वोल्ट दोगे 8 देगा, तुम 1000 वोल्ट दोगे तो उड़ जाएगा कि तुम अनलिमिटेड थोड़ा सप्लाई दिए जाओगे यार, ठीक है। कहने का मतलब कंट्रोल्ड वे में अगर दोगे तो कहने का मतलब है कि ये 8 8 8 के ऊपर जाएगा ही नहीं कभी भी। तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है जब इसका ब्रेकडाउन हो गया तो इसने फैसला कर लिया कि मैं तो 8 वोल्ट ही दूंगा, तुम पीछे से 10 वोल्ट दो 11 दो 12 जो मर्जी दो 8 वोल्ट दूंगा, तो ये आउटपुट भी क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो इसमें भी कितने वोल्ट आना स्टार्ट हो गया 8 वोल्ट आना स्टार्ट हो गया, यानी कि दिस इंटू दिस आई एल इंटू आर एल की वैल्यू किसके इक्वल है 8, यानी कि जितना जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा उसके इक्वल ही होता है, आई इंटू आर, तो फिर वही जीनर का ब्रेकडाउन ही हो गया ना, क्योंकि अगर ये 8 है तो ये 8 है, ये 8 है ओम लॉ से ये 8 है, और अगर जीनर वोल्टेज मान लो क्वेश्चन में ब्रेकडाउन वैल्यू 3 गिवन है तो ये 3 है तो ये 3 है तो इनका प्रोडक्ट 3 है, न्यूमेरिकल में ऐसे यूज होता है ये, राइट। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये 8 हो गया, अब प्रॉब्लम ये पीछे से वोल्टेज तो 10 आ रही है 11 आ रही है 12 आ रही है, फिर चेंज क्या हो रहा है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा तो 8 है, ये भी चेंज नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं इसका क्या चीज चेंज हो रहा है, जीनर का करंट चेंज हो रहा है, ये इस करंट को चेंज नहीं होने देगा, क्योंकि अगर ये चेंज हो गया तो इनका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, या खुद सफर करेगा कोई बात नहीं, मैं अपने करंट को चेंज करूंगा, मैं अपने रेजिस्टेंस भी चेंज करूंगा, लेकिन वोल्टेज को क्या रखूंगा 8 ही रखूंगा। तो ये इस करंट को चेंज करके अपनी वोल्टेज को एडजस्ट करता है, अपने रेजिस्टेंस को चेंज करके वोल्टेज को एडजस्ट करता है, 8 से ऊपर जाने नहीं देगा और इसको भी 8 से ऊपर जाने नहीं देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसके न्यूमेरिकल कैसे करने हैं ये हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे, करना कुछ नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का काम है, कुछ नहीं करना होता, इससे आसान क्वेश्चन है ही नहीं। वो कहेगा जीनर ब्रेकडाउन 5 वोल्ट है, तुम यहाँ 5 बना लो यहाँ 5 बना लो, वो कहेगा कि इसका इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है, बोलो इसमें करंट कितना है, तो निकाल लो करंट कितना है इलेक्ट्रिसिटी के ओम लो, फिर कहेगा अच्छा ठीक है ये 5 वोल्ट है इसका करंट आ गया, पीछे से मान लो टोटल करंट मान लो 5 एम्पियर है, बोलो इसमें करंट कितना है, भाई तुमने ये करंट तो निकाल ही लिया, टोटल 5 था माइनस करके इसका करंट आ गया, ओम लॉ लगा लो, कुछ नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की ही प्रॉब्लम है, लेकिन जीनर वोल्टेज कांस्टेंट है, ये बस एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे यूज करना है ये नेक्स्ट लेक्चर का काम है। यहाँ तक क्लियर है?